देखो बेटा, आप सभी बच्चे जानते हैं क्या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई फ्लूट है और इसमें आप एक बॉडी को सबमर्ज कराते हैं, यानी बॉडी को डाल देते हैं। ठीक, सपोज आपकी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो वी जीरो है, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज वी जीरो, और जितनी बॉडी आपकी डूबी है यानी सबमर्ज हुई है वो वी एस है। ठीक, जो सबमर्ज हुई है वो वी एस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना फ्रैक्शन इनसाइड है, कितना फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इज इनसाइड द लिक्विड, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन है यानी भाग करेंगे, किससे करेंगे, टोटल से, टोटल वॉल्यूम इतना है और ये कितना है बेटा, सबमर्ज कितना है यानी इनसाइड कितना है, वी एस है। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। या आपसे कहा जाए कि कितना फ्रैक्शन जो है वो आउटसाइड है, तो आप कहेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये हमारा निकल आता है तो जितना भी ये फ्रैक्शन निकला है एम आर आई, टोटल क्या है, वी जीरो है, और वी जीरो में से इतना फ्रैक्शन हटा दें, या पूरी बॉडी आपकी वन है और जितना आपकी सबमर्ज हुई है उतना फ्रैक्शन जो है आप इससे हटा दीजिए, सबट्रैक्ट कर दिए, तो मिल जाएगा कितना फ्रैक्शन आउटसाइड है। आप देखिए क्या होगा, इतनी चीज समझ में आ गई, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, टोटल बॉडी का वॉल्यूम वी जीरो है और कितनी सबमर्ज हुई है, बी एस है, तो फ्रैक्शन डिवाइड करना है, आपका क्या हो गया कि ये टोटल में से सबमर्ज हटा दिया उतनी इनसाइड है, होगा क्या, धरती माता इस बॉडी को अपनी ओर ग्रेविटेशनल पुल से खींचेंगी, एम जी धन लगेगा, और एक अप थ्रस्ट जो है वो कौन लगाएगा, लिक्विड लगाएगा ऊपर की तरफ, तभी तो ये ऊपर है, इतना पार्ट ऊपर है, नहीं तो अगर केवल यही फोर्स होता तो अब तक डूब भी जाता। तो ऐसी ही स्थिति, इक्विलिब्रियम स्थिति आपको दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही है, तो आपने कहा जितना अप थ्रस्ट लग रहा है वो बॉडी के मास इंटू जी के बराबर है। आपने कहा फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा होगा, कहीं कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, तो आपने कहा जितना लिक्विड का मास होगा वही तो इसको ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट दे रहा है, काट दीजिए, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, तो आपने कहा कितना वॉल्यूम होगा, जितना आपका सबमर्ज हुआ है, डेंसिटी कितनी होगी, फ्लूइड की होगी, जितना सबमर्ज हुआ उतना ही तो वॉल्यूम जो है आपका अप थ्रस्ट में काम आएगा, कहीं इसमें क्या होगा, मास इनका मास वॉल्यूम, कहीं बॉडी का मास वी जीरो है और बॉडी की डेंसिटी जो है वो आपने ये मान ली है, बस काम बन गया, आपको केवल इस फार्मूले को याद रखना, वी एस अपॉन वी जीरो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसी से सारे सवाल आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के लग जाएंगे, एम आई राइट, इसी से लग जाएंगे, इवन पहला भी आपका कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड, ये इनसाइड का ही होता है बेटा, क्योंकि ये सबमर्जिबल है यानी कि इनसाइड द लिक्विड है, और इतना पोर्शन कितना है बेटा, बाकी आउटसाइड है, तो ये सवाल अच्छा है, केवल इनसाइड करना है, क्या दिया है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है, 0.6 है, फ्लूइड क्या है आपका, वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1.0 हो गई ग्राम पर सीसी, डिवाइड कर दीजिए तो आप कहेंगे 6/10 यानी कि 3/5, तो इतना फ्रैक्शन जो है बॉडी का इनसाइड है, इनसाइड है, इनसाइड है, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, याद यही रखना है, समझ गए, वी एस अपॉन बी जीरो इनसाइड, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड।